हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मनु भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने चैनल जी टी पीछे टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, ये जो वीडियो लेकर आया हूं वो रिलेटेड है मेटल स्प्रे गन से, और इस वीडियो के अंदर हम इस मेटल स्प्रे गन की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। जो आप सामने बॉक्स देख रहे हैं ये है अपग्रेडेड मेटल स्प्रे गन। इस तरीके का मेटल स्प्रे गन दिखाई देता है, और अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो साफ साफ लिखा है हाई हाइड्रोलिक पावर। इसकी जो जेट स्ट्रीम है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग इम्पल्स, अच्छा खासा ये प्रेशर देता है कि अगर आपने होस पाइप में इस इसको लगा देते हैं तो जो प्रेशर होता है वाटर का वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। कन्वीनियंस है, बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और सबसे खास बात है इसके अंदर जो मटेरियल यूज करा गया है वो प्योर मेटल का है, यानी ब्रास इसके अंदर यूज किया गया है। यहाँ पर लिखा है वाटर स्टॉप स्विच। इस तरीके का ये मेटल स्प्रे गन दिखाई देती है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ है नेम ब्लैक किंग कॉन्ग कार वॉशिंग वाटर गन, ये इसका नाम है। प्रोडक्ट साइज है 17 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये प्रोडक्ट है मेड इन चाइना का, देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा है मेड इन चाइना। इस तरीके से होस पाइप इस मेटल स्प्रे गन से कनेक्ट होती है। इसको अगर हम खोलते हैं तो खाली इस तरीके का मेटल स्प्रे गन मिलता है। यहाँ पर कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, छोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ प्रोडक्ट देखना है। इस मेटल स्प्रे गन में जो मेटल यूज करा गया है वो ब्रास का है, और अंदर भी यहाँ पर ब्रास यूज किया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर होस पाइप कनेक्ट होता है। ये यहाँ पर रबर सील दिया हुआ है जो प्रॉपर तरीके से आपके होस पाइप को इससे कनेक्ट करेगी, और यहाँ पर लीक होने का कोई भी डर नहीं रहता है। वैसे अगर आप लीक को बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं तो मेटल ओरिंग भी ले सकते हैं, जिससे आप अपने होस पाइप को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक का पार्ट दिया हुआ है, ये ब्रास का पार्ट है, ये वो नोजल है जहाँ पर हमको मल्टी स्प्रे यानी अलग अलग जेट स्ट्रीम मिलती है। इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और अलग अलग जेट स्ट्रीम इससे ले सकते हैं। तो ये जो स्प्रे होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और स्प्रिंकल के फॉर्म में भी हो सकता है। वो आप इसको रोटेट करते रहेंगे तो वैसे वैसे अलग अलग जेट स्ट्रीम हमको मिलती रहेगी। बाकी इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, जैसे मैंने बताया था ये प्रॉपर जो मटेरियल इसके अंदर यूज किया गया है वो ब्रास का यूज किया गया है, और इवन जो उसका नोजल है वो भी ब्रास का बना हुआ है, बहुत बढ़िया है। दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेट ये 245 रुपीज में अमेजोन पर उपलब्ध है। अगर आप इस तरीके के मेटल स्प्रे गन को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बाय लिंक भी दे दूंगा, जहां जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे आने वाली वीडियो का आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, नोटिफिकेशन के लिए वीडियो के नीचे बेल आइकन मिलेगा, वहां क्लिक करके आप मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहां पर हम होस कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं इसकी जो जेट स्ट्रीम है किस तरीके की दिखती है। ये मेटल स्प्रे गन है और अब मैं होस पाइप इसके साथ लगा रहा हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है ये टोटल ब्रास का है, और इस तरीके से हमको होस पाइप लगाना पड़ेगा। थोड़ी मुश्किल पड़ेगी लेकिन आप इसे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं होस पाइप चढ़ा रहा हूँ इस मेटल स्प्रे गन पर, और आप देखिएगा ये होस पाइप बहुत टाइट चढ़ेगा। जितना टाइट ये होस पाइप इस मेटल स्प्रे गन पर चढ़ेगा उतना अच्छा है, जिससे कि पानी का जो लीक होने का डर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। और बिल्कुल ऊपर तक चढ़ाइएगा इसे। होस पाइप अच्छी तरीके से इस मेटल स्प्रे गन पर चढ़ चुका है। अब हम चेक करते हैं कि इस मेटल स्प्रे गन से कितनी तरह की जेट स्ट्रीम हमको मिलती है। मैंने होस पाइप टैप से कनेक्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं जरा सा भी पानी यहाँ पर लीक नहीं कर रहा है, और इसे मैं अब ओपन करता हूँ। ये देखो, ये देखिए कितनी दूर तक पानी यहाँ पर जा रहा है। इसके प्रेशर को आप इससे जो आगे का नोजल दिया हुआ है इससे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, अब मैं इसे एडजस्ट करता हूँ रोटेट करके। ये स्प्रिंकल में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिएगा कि टीनी मिस्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। ये अपने अनुसार आप सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं उसी तरीके का यहाँ पर स्प्रिंकल मिल जाएगा, या तो जेट स्प्रे या सिंपल स्प्रिंकल। और इसे पूरी तरीके से टाइट कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा, और जरा सा पानी यहाँ पर लीक नहीं कर रहा है। जो मेरा मेन मोटिव था वो ये भी दिखाना था, इस वाले मेटल स्प्रे गन से कोई भी पानी लीक नहीं कर रहा है। इतना अच्छा डिजाइन है, और सबसे खास बात है अंदर का पूरा पार्ट मेटल का है जो ब्रास से मिलके बना है, सिर्फ ऊपर यहाँ पर प्लास्टिक की कोटिंग दिया हुआ है। अब मैं दोबारा से इसको घुमाता हूँ और स्प्रिंकल का यहाँ पर स्प्रे करता हूँ। जबरदस्त दोस्तों, और थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। जैसे जैसे मैं ट्विस्ट करूंगा तो ये जो मिस्ट है ये जेट स्प्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, या जेट स्ट्रीम भी हम कह सकते हैं। अगर आपको कहीं भी पानी का छिड़काव करना है, चाहे अपने गार्डन में, चाहे अपनी रूफ पर, या गाड़ी भी धोनी है, तो आप इस तरीके के मेटल स्प्रे गन को यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे ट्विस्ट करता जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर जेट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। अब प्रेशर देखो भाई,
जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे प्रेशर है, और यहाँ अभी मैंने कोई भी समर्सिबल या मोटर से कनेक्ट नहीं कर रखा है, यहाँ सिंपल घर का टैप है जिससे मैंने इस मेटल स्प्रे गन को कनेक्ट करा विद द हेल्प ऑफ दिस होस पाइप। कहीं पे भी आपको छिड़काव करना है, चाहे गार्डन है चाहे रूफ पर है, तो आप इस तरीके के मेटल स्प्रे गन को यूज कर सकते हैं। इस तरीके का आप पानी ले सकते हैं छिड़काव करने के लिए। ये जेट स्ट्रीम आ गया, और जैसे जैसे आप इसे रोटेट करते जाओगे वैसे वैसे जो है जेट स्ट्रीम टीनी मिट्स में कन्वर्ट होती जाएगी। दोस्तों वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोग करते हैं, तो जो नहीं करते हैं उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इस तरह की गैजेट अगर देखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे गैजेट मैं लेकर आता रहता हूँ, पूरी तरीके से फुली टेस्टेड रहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप उसे बिंदास तरीके से खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक भी देता हूं जहां जाकर आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। चलिए अब मैं इसे बंद कर देता हूं और वापस चलते हैं हम स्टूडियो की साइड। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और उन कमेंट का रिप्लाई करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है उन्हें जरा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरी आने वाली वीडियो को आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूं, मैं दोबारा हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।